वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हरि की असीमित कृपा से जो धारा सत्संगी बह रही हैं, वही सत्संगी धारा के माध्यम से आज हम सब मिलकर श्री कृष्णचंद्र बालकृष्ण प्रभु की माधुर्यमयी जो एक जो सहज अने स्वाभाविक की जो लीला है वो लीला गाने के लिए हम एक साथ मिले हैं। आइए, भागवत जी में तो बहुत सी श्री कृष्ण की बाल लीला बताई हैं, सुनी भी हैं, लेकिन आज के इस सत्संग श्रृंखला में श्री ठाकुर जी की छांक लीला का प्रधान विषय लेकर हम अष्ट सखाओं में से जो चतुर्भुज दास जी है उन्हें जो गाई हुई ठाकुर जी की जो छांक लीला है वो अष्ट सखा के कीर्तन के साथ हम प्रभु की छांक लीला का वर्णन अपने हृदय में जो प्रकट होता है वो हम भाव के साथ गावे। आइए, सबसे पहले हम चतुर्भुज दास जी के जो कीर्तन है वो कीर्तन का भाव पहले गाएंगे, बाद में उनका थोड़ा अर्थभावानु अनुसंधान लेकर श्री प्रभु को हम प्रणाम करेंगे। गोविंद लीजे छांक तिहारी, गोविंद लीजे छांक तिहारी। श्री वृंदावन में यमुना जी के तट पर भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराते हैं उसी समय ब्रजवासियों के साथ प्रभु जो खेल रहे हैं, उसी समय जो ब्रज बनीता है, ब्रज गोपी है, वो प्रभु के लिए जो भोजन के लिए जो भोग लाती हैं, वो प्रभु के लिए जो भोग लाती हैं वो भोग सभी ब्रजवासियों के बीच में प्रभु बैठकर जो आरोपते हैं वो दर्शन चतुर्भुज दास जी करते हैं। गोविंद लीजे छांक तिहारी, भई बड़ी बैर बैठ मग चितावत रसना टेरन हारी, बहु बिंजन पकवान मिठाई तुम लायक रुचिकारी, किन्नी भले तुम आए गोपी जन भूख लागी यदि भारी। श्री हरि कहते हैं, अरे गोपी, आने में इतने देर क्यों लगा दी, आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। कहते हुए श्री प्रभु गोपी के हाथ में से जो छांक है वो लेते हुए श्री हरि विराजे हैं। विराजते ही सभी ब्रजवासी के जो ग्वाल हैं उनको बुलाकर सबके बीच में बैठे हुए प्रभु ये छांक आरोगते हैं। ज्यादातर पुष्ट मार्ग में प्रभु आरोगते आरोगते अपने जो प्रसाद के रूप में जो बचे हुए हैं वो प्रसाद के रूप में जो ब्रजवासियों को अपने हाथों से जो खिलाते हैं उनको हम छांक लीला कहते हैं। साथ साथ मांग मांग कर जो खाते हैं, जहां से ब्रजवासियों के लाए हुए जो भोग को जो प्रभु आरोगते हैं, गोपीजनों से
मांग मांग कर जो लेते हैं उनको हम छाक कहते हैं। और आगे कहते हैं, यमुना तीर कदम्ब की छैया मंडल रचना कीनी, यमुना तीर कदम्ब की छैया मंडल रचना कीनी, चंद्रभुज प्रभु गिरिधर लाल न तब, चत्रभुज प्रभु गिरिधर लाल न तब, छाक बाट सबलीनी, छाक बाट सबलीनी, गोविंद लीजे गोविंद लीजे, जो गोपी अपने हाथों से बनाई हुई छाछ है, मक्खन है, दधी है, वो जो सब लेकर आई हो प्रभु ने अपने हाथों से जो आरोग्य हैं, और केवल नहीं आरोग्य ब्रजवासियों को जो आरोगवाया है, वही जो मनोरथ ब्रज में हुआ है श्री यमुना जी के तट पर कदम की छैया के नीचे, उनको ही हम छाक मनोरथ कहते हैं। यही भावना के साथ प्रभु ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। पूर्ण मनोरथ करने वाले श्री हरि सभी ब्रजजन के घर में जाकर भी जो चोरी करके भी प्रभु आरोगते हैं, लेकिन आज तो ऐसा हुआ कि जिसके घर जो चोरी करने के लिए जाते थे, वही जो ब्रजवासी हैं वो प्रभु को आज मनोरथ पूर्ण करने के लिए, अपनी भावना को प्रकट करने के लिए छाक लेकर लेकर आई है, और प्रभु को विविध प्रकार के जो भोग को समर्पित किया है उनको ही छाक लीला कहते हैं। आइए आज इतना ही, और समय मिलेगा तो और अष्ट सखाओं के कीर्तन के साथ छाक लीला की दिव्य भावनाओं को हम जरूर आगे गाएंगे। खास करके पुष्टि मार्गीय जो जितना जितने जो मंदिर है, जितनी हमारी वल्लभीय जो परंपरा के जो हवेली मंदिर हैं, वो हवेली में सभी में आज वहीं भी छाक वगैरह का मनोरथ होता है। और ज़्यादातर पुष्टि मार्ग में पूर्ण पुरुषोत्तम मास में 30 दिन तक विविध मनोरथ होते रहते हैं। ठाकुर जी को, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, श्री प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, वैसे में ज़्यादातर पुरुषोत्तम मास में भी एक छाक का मनोरथ होता है। हमारे हरि मंदिर में भी एक छाक मनोरथ का विविध प्रकार भी रहता है। वैसे पुरुषोत्तम मास में प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए हमारे पूज्य सद्गुरुदेव पूज्य भाईश्री 300 दिन यानी के पूरे पूर्ण पुरुषोत्तम मास में श्री ठाकुर जी की विविध लीला गाते हुए साथ साथ प्रभु को भोग लगाते हुए छाक मनोरथ करवाते हैं। आइए वही भावना के साथ आज इतना ही, और ज़्यादा अष्ट सखाओं की वाणी लेकर फिर आएंगे। तब तक जय श्री कृष्ण। बस हम इतना ही कहते हैं, सदा मन श्री गोकुल में रहिए, सदा मन श्री गोकुल में रहिए, सदा मन श्री गोकुल में रहिए। अष्ट सखाओं की यही भावना के साथ आज हम विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।